आइए लिखिए क्वेश्चन। चेक तो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि देखो फिल्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर लग नहीं रहा किसी सवाल में। तो मैं एक में लगा के दिखाना चाहता हूं, तो एक एग्जांपल लिखिए, थोड़ा बड़ा सवाल बनाते हैं। लिखिए जी, ऑन 1/4/23 एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। इन एडिशन टू अबव लोन कॉमा द कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरोइंग्स एज फॉलोस। कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरोइंग्स एज फॉलोस। 8% डिबेंचर्स 15 लाख, 15% टर्म लोन 30 लाख, 10% अदर लोन्स 18 लाख। द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड 15 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। इन कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। बिल्डिंग 70 लाख, फर्नीचर 22 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख, फैक्ट्री शेड 43 लाख। आउट ऑफ अबव एसेट्स, नहीं ऐसे ना लिखो, प्रॉपर लिखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड फैक्ट्री शेड 31 मार्च 2024, फुल स्टॉप। रेडीमेड फर्नीचर वॉज परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। रेडीमेड फर्नीचर वॉज परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट, फुल स्टॉप। You are required to calculate
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एसेट एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट. अच्छा सवाल है ये. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एसेट एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट. लिखिए. लिखिए लिखिए जल्दी. सो ये क्वेश्चन से ना आपको फिल्टर का पॉइंट और अच्छा समझ में आ जाएगा. अभी तक फिल्टर लगाना आया है. अगर सच में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ज्यादा आ गई तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है. तो मैं उसको जरा ठीक कराना चाहता हूं इस एग्जांपल के जरिए. चले लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करिए. चलिए आइए जी पढ़िए. ऑन 1/4/2023 को एक्स लिमिटेड टू का लोन ऑफ ₹25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसने 25 लाख रुपए का लोन ले लिया है. कब लिया है? 1/4/2023 को. तो स्पेसिफिक बोरिंग है, ये देखो बिल्डिंग नजर भी आ रही है नीचे. तो 70 लाख में से 25 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग है. इंटरेस्ट रेट है जी 12% पर एनम. इन एडिशन टू द अबव लोन द कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरोइंग एज फॉलोज. ये सारे जनरल बोरिंग हो गए. तो तीन जनरल बोरिंग है, 8% डिबेंचर, 15% लोन, 10% अदर लोन. द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड अबव फंड्स इन कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स. इन एसेट्स की कंस्ट्रक्शन और परचेज के ऊपर खर्चा किया है. बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड. चार क्वालिफाइंग एसेट है. अगर कुछ ना लिखता तो मैं चारों को क्वालिफाइंग एसेट मान लेता. पर नीचे देखो क्या लिखा है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 24. पूरा साल लगा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 24. तो लोन तो आपने 1/4/23 को ही ले लिया था ना. तो पूरा साल लगा है. तो इसका मतलब ये तीनों तो क्वालिफाइंग एसेट है. वो कह रहे हैं रेडीमेड फर्नीचर वॉज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट. फर्नीचर हमने डायरेक्टली मार्केट से ही खरीद लिया. तो ये हो गया आपका कौन सा? नॉन क्वालिफाइंग एसेट. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एसेट एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट. ये थोड़ी अलग चीज मांग ली. आगे वो कहता होता था बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज बताओ. और कैपिटलाइज सिर्फ किस पे होता था? क्वालिफाइंग एसेट पे. पर इस बार वो कह रहा है ना जी ना, मुझे तो नॉन क्वालिफाइंग का भी आंसर चाहिए. चलो ठीक. चलिए जी. तो एक स्पेसिफिक बोरिंग और तीन जनरल बोरिंग. तो पहला काम है कि जनरल बोरिंग का क्या निकाल लें? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन का रेट निकाल लें. सो आइए सब पॉइंट ए. कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल बोरिंग. कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल बोरिंग. तो कोई डेट नहीं गिवन है सवाल में, ऐसे ही आते हैं जी क्वेश्चन. 15 लाख का 8%. तो 15 लाख इंटू 8% प्लस 30 लाख का 15%. 30 लाख का 15% प्लस 18 लाख का 10%. डिवाइडेड बाय 15 लाख प्लस 30 लाख प्लस 18 लाख इंटू 100. तो 15 लाख का 8% 1,20,000. 30 लाख का 15% 4.5 लाख. और 18 लाख का 10% 1,80,000. डिवाइडेड बाय 15 लाख प्लस 30 लाख प्लस 18 लाख
63 लाख इंटू 100 11.9048%, 11.9048%। आप दो डिजिट भी कर सकते हैं, मैंने वैसे ही चार डिजिट ले लिए। चले अब कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो चार एसेट है जी, चारों का आंसर निकालना है। पहला कौन सा है? बिल्डिंग, जैसे ऊपर हमने किया था तीन तरह के प्लांट थे। फर्नीचर, इस बार नॉन क्वालिफाइंग का भी आंसर पूछा ना। प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। पहले तो बताओ क्या क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन है? क्या बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है? यस। फर्नीचर नो। प्लांट एंड मशीनरी यस। फैक्ट्री शेड यस। ये लिखना जरूरी है इस सवाल में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप बताओ कि क्वालिफाइंग एसेट कौन है और नॉन क्वालिफाइंग एसेट कौन है। तो पहली बात तो ये फिनिश हो गई हमारी। अब पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। तो बिल्डिंग पे 70 लाख का खर्चा हुआ है, तो मान के चलेंगे 25 लाख स्पेसिफिक बोरिंग से और बाकी जनरल बोरिंग से। तो स्पेसिफिक बोरिंग से 25 लाख और स्पेसिफिक बोरिंग का रेट कितना है? 12%। तो 25 लाख का 12% 3 लाख, और बाकी खर्चा हुआ जनरल बोरिंग से। तो 70 लाख माइनस 25 लाख 45 लाख, और जनरल बोरिंग का रेट क्या है? 11.9048%, 535716। क्लियर हो गया। अब फर्नीचर की बात बाद में करते हैं, क्योंकि फर्नीचर लिख देते हैं। मान के चलेंगे फर्नीचर से सारा खर्चा कहां से हुआ? जनरल बोरिंग से। कितना खर्चा हुआ है? 22 लाख इंटू 11.9048%, सो 261906। क्या ये कैपिटलाइज होगा? नहीं, वो नीचे लिख देंगे कि ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी जनरल बोरिंग से कितना खर्चा हुआ है? 90 लाख इंटू 11.9048%, सो 1071432। और लास्ट वाला भी जनरल बोरिंग से कितना है? 43 लाख। आप देख रहे हो लोन बहुत ही कम है, खर्चा बहुत ही ज्यादा है, तभी तो लास्ट में फिल्टर चलेगा। 43 लाख इंटू 11.9048%, 511906, 511906। तो ये आ गया जी आपका टोटल, ये आता है 835716, 261906, 1071432, 511906। अब पर ये अब आंसर नहीं है, अब इस पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। इधर देखो, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग, बताओ एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी जनरल बोरिंग की? ये वाली 1,20,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 1,80,000, 7.5 लाख। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग थी 7.5 लाख। अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग पे कितना हमने कैपिटलाइज कराया? 535716। आपको पता लग गया गलत हो गए, 1071432
और 511906 ये कैपिटलाइज कराया है, 535716 1071432 511906 तो 211954 ये तो कैपिटलाइज कराया है, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। फर्नीचर वाला कैपिटलाइज नहीं भी तो हुआ था, वो कितना था 261906, तो ये भी तो जोड़ो। सो बहुत ज्यादा देखो 2380960, तो अब यहां फिल्टर लग जाएगा। तो सिंस एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इज लेस देन अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड नॉट कैपिटलाइज्ड, क्योंकि फर्नीचर वाला पीएनएल में जाना है ना, हेंस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड विल बी एज फॉलोज। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड विल बी एज फॉलोज। कुछ नहीं करना बच्चे, चुपचाप जाओ और 7.5 लाख को इनकी रेशियो में बांट दो, बस ये करना है। क्योंकि 7.5 लाख से ज्यादा कैपिटलाइज तो नहीं हो सकता, पर समस्या इसके किस पे कितना कैपिटलाइज होगा ये कैसे पता लगेगा। 7.5 लाख तो टोटल है, आप 21 लाख तो कैपिटलाइज करा नहीं सकते क्योंकि इतना तो खर्चा ही नहीं हुआ। 7.5 लाख टोटल खर्चा हुआ है, पर किस पे कितना कैपिटलाइजेशन होगा ये कैसे पता लगेगा। तो चुपचाप जाओ और जनरल बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट की रेशियो में बांट दो, दैट्स इट, ये काम करना है। तो इसके लिए अब हम टेबल बनाएंगे। एसेट रेशियो, बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, चार्ज्ड टू पीएनएल। तो इससे आपको फिल्टर लगाना आ जाएगा। तो चार एसेट है हमारे पास, पहला बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। तो बिल्डिंग पे हमने कराया था, जनरल बोरिंग का लेना सिर्फ 535716, 535716, फर्नीचर 261906, 1071432 और 511906 टोटल। टू थ्री एट जीरो नाइन सिक्स जीरो। आओ जी, टोटल 7.5 लाख कैपिटलाइज होना है, तो बिल्डिंग के हिस्से कितना आएगा, इंटू 535716 डिवाइडेड बाय 2380960। पहले डिवाइड करना नहीं तो कैलकुलेटर फट जाएगा। तो 168750, क्या ये सारा कैपिटलाइज होगा, यस 168750, ये करना है आंसर आपको उसकी रेशियो में बांट के। तो ये पॉइंट मिसिंग था, तो मन भारी था कि ये पॉइंट रह गया है 261906। अरे ये कभी आया है ये बच्चे, ये मई 2023 के पेपर का क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूं। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 7.5 लाख डिवाइड बाय 2380960, 261906, 82500। क्या ये कैपिटलाइज होगा, नो ये जाएगा पीएनएल में 82500, ये नहीं कैपिटलाइज हो सकता। 7.5 लाख इंटू 1071432
तो ये एग्जाम में आ चुका है बच्चे, आएगा नहीं, आ चुका है। 2380960107142, तो 337,500, 337,500, तो ये तो सारे कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 7.5 लाख इंटू 5119062380960, वन सिक्स वन टू फाइव जीरो, और ये भी कैपिटलाइज होगा। तो बताओ कैपिटलाइज कितना हो रहा है? टोटल देखना 7.5 लाख ही आएगा। 667,500 कैपिटलाइज होगा और 82,500 पीएनएल में जाएगा। तो चेक कर लो, आ गया ना 7.5 लाख। सो बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, उसने दो बातें पूछी थी, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिक बोरिंग से कितना कैपिटलाइज हुआ, स्पेसिफिक बोरिंग से हुआ था हमारा 3 लाख, 3 लाख। और जनरल बोरिंग से कितना कैपिटलाइज हुआ, 667,500। सो टोटल आ गया 967,500। सर अलग अलग नहीं बताना, अलग अलग मैंने बता दिया ना इधर नीचे, अलग अलग अब क्या बताना है। बी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, क्योंकि पहली बार उसने नॉन क्वालिफाइंग एसेट का भी पूछा था, फॉर नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स ऑन जनरल बोरोइंग 82,500। सो खूबसूरत क्वेश्चन किसी ने बना के पेपर में डाल दिया, ठीक है। सो ये मेरा मन था कि क्वेश्चन मैं कराऊं क्लास में, ताकि आपको पता लगे। मैं फिल्टर फिल्टर बार बार कर तो रहा था, पर अभी तक फिल्टर लगा नहीं था कहीं। तो मुझे था कि फिल्टर लगा के तो दिखाएं कि जब बोरिंग कॉस्ट कम है, कैपिटलाइज ज्यादा हो गया है, तो फिर आपको सिंपली इसकी रेशियो में बांट के कैपिटलाइजेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए, सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लिखिए जी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए,